सो लेट अस प्रोसीड। हम अशोक द एम्परर हु गेव अप वॉर पढ़ रहे हैं और आज हम रोशन्स रुपीस के बारे में पढ़ेंगे। ये रोशन्स रुपीज की जगह प्रियार रुपीज भी हो सकता है, सूर्यांशु रुपीज, वीरवर्धन, ठीक है, दीक्षा, हर्षवर्धन, विशाल, मनीषा, कुछ भी हो सकता है, अदिति, कुछ भी हो सकता है। तो आप, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रिया क्लस्ड द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंड फादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। ऐसा प्रायः होता है कि जब हमारे बच्चे अपने दादू के यहाँ जाते हैं, ग्रैंड पा के यहाँ जाते हैं, ग्रैंड माँ के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, तो वो लोग बड़े प्यार से 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, जो भी है, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार वो अपने ग्रैंड सन डॉटर्स को देते हैं, अपनी क्षमताओं के अनुसार। वाइल प्रिया बैडली वॉन्टेड टू बाई अ न्यू सी डी, प्रिया ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। ओहो, ये बच्चे के मन की भाषा देख लो। बच्चे के हाथ में नया नोट्स आता है तो कितने प्यार से उसको रखता है, कभी इस पॉकेट में, कभी उस पॉकेट में, कभी इस पॉकेट में। हैव यू नोटिस इट और नॉट, और हैव यू डन और नॉट, बताओ भाई। हाँ, आप लोगों ने ऐसा किया है कि नहीं किया है? प्रिंसी बेटा, किया ऐसा? हाँ, वेरी गुड। हाँ, जरा बीच बीच में चेहरा भी दिखा दिया करो आप लोग, है ना, तो थोड़ा सा मुझे और एनर्जी मिल जाती है ना। तो प्रिया ऑल्सो वॉन्टेड, वेरी गुड प्रिंसी, ओबीडियंट गर्ल। प्रिया ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। इट वॉज देन दैट प्रिया नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड ए स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी। ओहो, स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी, स्माइलिंग फेस ऑफ माई स्टूडेंट, हाँ, स्माइलिंग फेस ऑफ दीक्षा, अभिक्षित, स्माइलिंग फेस ऑफ शौर्य राणा एंड प्रिंसी और एनीबडी एल्स, ओके, बिकॉज इट वॉज द स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट साइड एंड टाइनी सेट ऑफ लॉयंस ऑन द लेफ्ट। लॉयन भी है, वाह वाह, क्या बात है। वॉट वर द लॉयंस देयर फॉर, सी वंडर। एक बच्चे के मन में क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये लॉयन वहाँ है क्यों, है ना भाई, लॉयन की जगह बकरी क्यों नहीं हुआ, गोट क्यों नहीं हुआ, खरगोश क्यों नहीं हुआ, लॉयन ही क्यों हुआ भाई। मन में तो क्वेश्चन उठ ही सकता है ना, बच्चा है, बच्चे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। आई एम राइट रॉन्ग सुयांशु? ओके, तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये लॉयन ही क्यों है। चलो, लेट अस एक्सप्लोर। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर, सही बात है, बहुत बड़ा जो किंगडम है, राज्य है, उसी को हम एम्पायर नाम देते हैं। मतलब एम्पायर जो है ना, बहुत बड़ा होता है और किंगडम छोटा होता है। मतलब एक बड़े एम्पायर में कई छोटे छोटे किंगडम हो सकते हैं, माइंड। और कभी कभी क्या होता है, किंगडम ही इतना बड़ा हो जाता है, जैसे मगध, मगध बिकेम द किंगडम, किंगडम से एम्पायर बन गया मगध एम्पायर, ठीक है। षोडश महाजनपद, ये छोटे छोटे किंगडम थे और षोडश महाजनपद में मगध का जो जनपद था, उसने सारे जनपदों, सारे एरियाज को कवर कर लिया और वो एम्पायर बन गया। जहाँ से हम बात कर रहे हैं अशोका की, अशोक की, द ग्रेट अशोका, द चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये लोगों की हम जब बात कर रहे हैं, तो ये एम्पायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे, 10th क्लास में पढ़ोगे, प्रशा ने जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया। प्रशा जो था ना, वो छोटे छोटे वहाँ यूरोप में राज्य थे, छोटे छोटे, उन सबको मिला के एक बड़ा सा बना दिया। इस तरह फ्रांस ने भी अपने एरिया को बड़ा कर दिया और वो बहुत बड़ा स्टेट बन गया। तो मगध जो पहले षोडश महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने पावर, वेल्थ, करेज के माध्यम से, है ना, अपने रिसोर्स को उसने यूटिलाइज किया और वो बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। चलो, ये तो बात हो गई। द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड क्वाइंस हैव लॉन्ग हिस्ट्री, एक बहुत लंबा इतिहास है इसके पीछे। भाई, इतिहास क्या है, इतिहास क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, हाँ, व्हाट इज हिस्ट्री, पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट रिकॉर्ड्स एक्सप्रेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज हिस्ट्री। व्हाट एवर वी आर स्टडिंग अबाउट द पास्ट, तो हमारे इस लाइन का इतिहास जो है वो पीछे है, ठीक है। अब वो क्या इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। दे वर कार्व्ड इन ए स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, ठीक है। सारनाथ कहाँ है, एनीबडी,
इन विच स्टेट? सारनाथ. सर भैया सारनाथ कहाँ है? रॉन्ग. गया तो बिहार में है, जहां पर भगवान बुद्ध को नॉलेज इनलाइटमेंट मिला. बट सारनाथ इन यूपी, बनारस के पास. ठीक है. और जब भगवान बुद्ध को नॉलेज हुआ तो वो कहाँ गए सबसे पहले? जहां पर सारनाथ, जहां पर उनको नेगलेक्ट कर दिया गया था, जहां पर वो जो चरवाहे थे जिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं हुई, तब उनके पास नॉलेज उतना नहीं था. जब वो बोधगया में ज्ञान प्राप्त किए, मेडिटेशन किया, पावर ऑफ मेडिटेशन. इसलिए मैं योगा बच्चों को कराता था कि योगा से मन बुद्धि विचार योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि पांजलि राम. तो योग से, तो उन्होंने मेडिटेशन किया वहां पर. भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन किया कहाँ पर? बोध गया में. उसका नाम गया से बोध गया हो गया. अब वहां पर जब मेडिटेशन किया, उन लोगों को इनलाइटमेंट मिला, नॉलेज हुआ, सुख दुख के कारणों को समझ में आया, जीवन का उद्देश्य समझ में आया, तब वो वहां से चले आते कहाँ? सारनाथ. और सारनाथ में आकर वो क्या करते हैं? वो उन जो वो जो चरवाहे थे, हाँ, शेफर्ड्स, उनको उन्होंने एजुकेट किया और उन्हें अपना पहला सरमन, अपना उपदेश सारनाथ में दिया, जो बनारस से मुश्किल से 14-15 किलोमीटर का रास्ता है. हम लोग बाई रोड्स जाते हैं, उधर से जब अपने गांव की तरफ जाते हैं ना, तो उधर से होके जाते हैं. सारनाथ रास्ते में पड़ता है. तो सारनाथ, ओके, तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया. ठीक है. तो ये लॉयन कहाँ से मिला? तो वहां पर मैसिव स्टोन पिलर है सारनाथ में, वहां पर ये लॉयन. ओके. लॉयन का मतलब क्या हुआ? करेज. लॉयन का मतलब क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा, करेज. ओके. लॉयन का मतलब क्या हुआ? करेज. तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको. अभी तक मैं स्टोरी पढ़ रहा था और ये इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये तो रोशन रूप की रूपी की कहानी थी. हमको तो प्रिया की कहानी मैंने बोल दिया. ओके. इस तरह मनीषा की कहानी हो सकती है, अदिति की कहानी हो सकती है, सुजांशु या किसी अभीक्षित की भी कहानी हो सकती है, सबकी कहानी. तो आप लोग अब उसके जगह अपना अपना नाम रखेंगे, जो कि मैं हमेशा से मैं कहता हूँ. ओके. तो अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू द हिस्ट्री. एक महान शासक जिसके बारे में मैंने पहले बताया. एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स. पिलर्स पर वो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, उपदेश लिखे हुए हैं, मैसेज लिखा हुआ है. एज वेल एज ऑन द रॉक सर्फेसिस, और जो रॉक के जो सर्फेस है, पत्थर के जो सर्फेसिस हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई, इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस जानते हैं आप, हार्ड सर्फेसिस यूज टू डिलीवर द मैसेजेस. ठीक है. राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसिस इज नोन एज इंस्क्रिप्शंस. ठीक है. एक होता है मैनुस्क्रिप्ट होता है, जिसको हाथ से लिखा जाता था. एक होता है क्या? इंस्क्रिप्शंस होता है, जो हार्ड सर्फेसिस पे लिखा जाता है. मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई. ओके. ओके. तो ये हमारा इंस्क्रिप्शंस, यहाँ पर हमने क्या देखा? ये दिस इंस्क्रिप्शंस. ओके. इसको ध्यान रखें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आते हैं. तो ये एज ऑन रॉक सर्फेसिस, ठीक है, रॉक सर्फेसिस के ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस हमको दिखाई देते हैं. ओके. समझ में आई बात? बिफोर वी फाइंड आउट वॉट वॉज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर. उनका किंगडम जो है एम्पायर क्यों कहा जाता था? ठीक है. एक किंगडम एम्पायर के रूप में कैसे बदल गया? आर गेटिंग पॉइंट? एक किंगडम एम्पायर के रूप में कैसे बदल गया? ठीक है. आर यू इंटरेस्टेड टू नो? ठीक है, चलो तो उसकी कहानी को समझते हैं. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाई हिज ग्रैंड पा, ग्रैंड फादर. तो हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य? ही वॉज अ ग्रैंड पा. यस, ग्रैंड पा. ठीक है. अशोका के ग्रैंड पा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य. मोर देन 2300 ईयर्स एगो. अब सोच लो कि 2300 साल पहले, ठीक है, चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाई
वाइज मैन नेम्ड चाणक्य, ठीक है, वो चाणक्य, चाणक्य का नाम कौटिल्य था, इनको विष्णुगुप्त भी कहते थे, और ये बुद्धिमान ब्राह्मण थे, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, बहुत ही पैट्रियटिक फीलिंग वाले, राष्ट्र के प्रति समर्पित, और जो सोचते थे वो कर लेते थे, इतने महान शिक्षक थे। उन्हें बहुत सारी बातें कही, हमको कुछ बातें उनकी याद आती है। यस्मिन देश ने सम्मानो न वृत्ति न च बांधवा न च विद्यागमो कश्चित वासं तत्र न कार्य। उन्होंने कहा यस्मिन देश, जिस देश में सम्मान नहीं हो, यस्मिन देश ने सम्मानो न वृत्ति, मतलब जिसमें ऑक्यूपेशन नहीं हो, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं हो, यस्मिन देश ने सम्मानो न वृत्ति न च बांधवा, न कोई बंधु बांधो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, न च विद्यागमो कश्चित, और न च विद्यागमन मतलब अध्ययन अध्यापन का कोई साधन हो, पठन पाठन पढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्ञान का कोई सेंटर नहीं हो, ठीक है, न च विद्यागमो कश्चित, वासंग तत्र न कार्य, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। और यही कारण है अंटार्कटिका में नो मैन लैंड जोन है, ठीक है, पहाड़ों पर साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है पठन पाठन की, वहां पर पॉपुलेशन कम होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये ऐसे थे चाणक्य। चाणक्य ने बहुत भारत के इतिहास का बहुत बड़ा योगदान दिया, आपको इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। तो चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र, अर्थ का शास्त्र मतलब धन का, मतलब कैसे व्यवस्था चलती है। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में कहते हैं, एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, लेकिन और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो अर्थशास्त्र कहा गया, लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की बुक लिखी, उस बुक में वो पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, उस बुक में वो इथिक्स की भी बात करते हैं, मतलब कैसे कल्चर होता है, कैसे लोगों को रहना चाहिए, पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, शिक्षक का कर्तव्य क्या है, स्टूडेंट का की ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, कैसे पिता अच्छे होते हैं, कैसी माताएं अच्छी होती, सब कुछ लिखा। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे लोगों के साथ संबंध होना चाहिए, क्या उन्होंने एक बात और लिखी उसमें की एक लाइन अचानक कि विदेशी जो विदेशी औरत है, फॉरेन जो लेडीज है, उससे जो पुत्र पैदा होगा उसको राजगद्दी कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो विश्वास पात्र नहीं होगा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी ना, वो सेल्यूकस की बेटी से हुई थी, हेलेन, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। तो चाणक्य ने मना किया था इसके लिए, तब फिर उन्होंने जब शादी हो ही गई तब उन्होंने कहा कि उससे जो उत्पन्न जो पुत्र है वो कभी गद्दी पर नहीं बैठेगा, ऐसी उन्होंने शर्त रखी पॉइंट। तो राष्ट्र के प्रति इनका जो समर्पण का जो भाव था वो अल्टीमेट था, इट इज इनकम्पेरेबल, और इसलिए इतिहास में चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी जो है बहुत ही फेमस मानी जाती है कि इन्होंने मौर्य जैसे साम्राज्य की स्थापना की और भारत को विदेशी आक्रमण से सुरक्षित किया। ये बहुत बड़ी बात होती है उस जमाने में, जैसे आज हमारे सामने खतरा है पड़ोसी देशों से, उसी तरह उस जमाने में खतरा था, और अलेक्जेंडर तो अटैक किया ही था, और भारत के जो डोमेस्टिक जो रूलर्स थे उनके अंदर राष्ट्र के प्रति फीलिंग नहीं थी, तो उन्होंने इस चीज़ को स्थापित करने का प्रयास किया। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इनका। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? मेनी ऑफ चाणक्यज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में इनके विचार लिखे हुए हैं। ओके, समझ में आ रही बात? बोलो भाई। ओके, अब आते हैं डायनेस्टी। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ठीक है, उसी तरह आप दूसरे जो राजा हैं, जैसे देखो बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, जिसके जमाने में बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई भारत पर, और जो एट्रोसिटीज़ भी बहुत हुई। खैर,
तो वेन डायनेस्टी क्या, वेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब उसी फैमिली से, ठीक है, ग्रैंडसन, ग्रैंड ग्रैंडसन, ग्रैंड ग्रैंडसन, ऐसे लोग जब आते जाते हैं और राज्य करते हैं तो वो क्या कहलाती है, ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं, डायनेस्टी। आर्गेटिव माइंड, जैसे नेहरू जी, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद अगर सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका, तो ये क्या कहलाएगा, ये डायनेस्टिक फैमिली कही जाएगी। इस तरह दूसरी पार्टियों में भी देख सकते हो, जैसे देखो लालू प्रसाद यादव, उनके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव, और उसके बाद उनके होगा तो वो डायनेस्टिक कही जाएगी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तो ये डायनेस्टिक का हिस्सा होगा। शरद पवार ऐसे करके अगर होगा, उनके बाद अगर उनकी सुप्रिया सुले, तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहा जाएगा, ठीक है। तो डायनेस्टी का मतलब क्या हुआ, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स, चंद्रगुप्ता, हिज सन बिंदुसार, एंड बिंदुसार्स सन अशोका। तो यहाँ पर एक चीज़ मालूम हुई कि बिंदुसार के फादर कौन थे, चंद्रगुप्त, और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था, अशोक, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, समझ में आ रही मेरी बात, बोलो भाई, समझ में आ रही है, बोलिए। चलो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन। अभी इसको अंडरलाइन करना, नेम फेमस सिटीज ऑफ मगध एम्पायर कह सकते हो, ओके। तो क्या हुआ, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन, तक्षशिला के प्रोफेसर थे ये चाणक्य, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आजकल पाकिस्तान में है, हमारे समय की, हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ठीक है, नालंदा और उदंतपुरी, हाँ, और बहुत सारे थे, कुछ के नाम अभी जी याद भी नहीं आ रहे अभी फिलहाल, कुछ बांग्लादेश में थी, कुछ पाकिस्तान में थी, ये सब तो भारत ही था ना पहले, हाँ। तो इन सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे, देखो नालंदा का और विक्रमशिला का तो मुझे याद है, बख्तियार खिलजी नामक एक शासक था जिसने इसको तोड़ दिया, जला दिया इसकी लाइब्रेरी को, ठीक है। ऐसे ऐसे राजा हुए मध्यकाल में जिन्होंने अच्छी चीज़ों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, जिन्होंने हीनियस क्राइम जिसको कहते हैं ना, वो किया है इतिहास। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, ठीक है, और ऐसे लोगों के प्रति हम लोगों को सजग होना चाहिए। आज भी ऐसी ताकतें हैं, जैसे मान लो कि अफगानिस्तान में कैसा हुआ है ना, वहाँ के लोग, वहाँ के मूल निवासी जो है ना, वहाँ से भाग के दूसरे देशों में, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है। तो ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के प्रति सजग होना चाहिए, अपने आने वाली जनरेशन को सुरक्षित करना चाहिए, सजग रहना चाहिए और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, ठीक है। तो दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है, अब आजकल इसको पटना कहते हैं, पटना का नाम पड़ गया, पाटन देवी के नाम पर पटना का नाम पड़ गया, ठीक है। पटना में एक गुरु, वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, फेमस गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी की याद में, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ दिन ठहरे थे। तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तो ये फेमस सिटी थी। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। देखो अब ये गेटवे था तक्षशिला कहाँ के लिए, सेंट्रल एशिया के, नॉर्थ वेस्ट का, ठीक है। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ जाने के लिए उज्जैन एक बहुत बड़ा रूट था, ओके, रास्ता था। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जहाँ पर लोग जाते थे, ठहरते थे, वहाँ से और दूसरी सुविधाएं मिलती थी, तो वैसे सेंटर बन गए थे, कौन कौन, तक्षशिला, उज्जैन। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज, ठीक है। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। इन सम एरियाज सच एज
such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. तो जैसे मालूम ही है कि फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते थे और जो उस समय के जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड थे उन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को अवेल करने का प्रयास करते थे. ओके, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, ओके, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. जैसे आज अगर भारत को देखो तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ना बेटा, हाँ, तो उस जमाने में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी. दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल. ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं. ओके, अब थोड़ा सा हम मैप को देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, ओके,